तो देखिए, खास दिन को खास बनाने के लिए खास तैयारी की गई है। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होना है और एबीपी न्यूज ने भी खास तैयारी आपके लिए की है। इस महा कवरेज, महा मुकाबले से जुड़ी हुई पल पल की तस्वीर आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। अलग अलग जगह से किस तरीके से जोश हाई है दर्शकों का, फैंस का, ये सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए, कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला है और इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के गब्बर यानी कि शिखर धवन ने एबीपी न्यूज पर ऐलान किया है कि इस बार ट्रॉफी रोहित की सेना ही जीतेगी। देखिए मेरे सहयोगी प्रीति दहिया के साथ शिखर धवन का सुपर एक्सक्लूसिव सेगमेंट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और इस वक्त पूरे देश पर चढ़ा है क्रिकेट फीवर। टीम इंडिया के खिलाड़ियों के गजब है तेवर। दुनिया ने देख लिया रोहित की टीम की ताकत का ट्रेलर, लेकिन अभी बाकी है असली पिक्चर। लास्ट राउंड की लड़ाई, कौन बाहर कौन सिकंदर, विश्व कप के महामुकाबले पर है जिसकी पैनी नजर, उसका ऐलान है कि विश्व कप आएगा घर। इसलिए आज एबीपी न्यूज पर आए हैं क्रिकेट के गब्बर। प्लीज स्वागत कीजिए स्टूडियो में, मेरे साथ मौजूद है शिखर धवन। शिखर, वेलकम बैक एबीपी में, एक बार फिर आपका स्वागत है। और वर्ल्ड कप जिस तरह से चला है, पूरे देश की शिखर इस वक्त उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ है कि हम ही वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ जो देश की सोच है एंड जिस तरीके से इंडियन टीम ने खेला है, बहुत कमाल खेल रहे हैं और मेरे को पूरा यकीन है कि भारत इस बारी वर्ल्ड कप उठा के ही जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जो हारी हुई बाजी भी जीतना जानती है। 2019 में आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो शतक लगाया था, अब हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, आपके नजर में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है 2023 में हमारी टीम में जो वो शतक लगा सकता है ऑस्ट्रेलिया के इस अटैक के सामने और प्रेशर सिचुएशन में जीत दिला सकता है? एक ऑप्शन तो आपको दे रहे हैं, दूसरा ऑप्शन भी सामने आ गया है। सुमन भी है, रोहित है, श्रेयस, विराट है। श्रेयस ने कमाल की बैटिंग करी है, जो क्या कमाल के छक्के मार रहा है श्रेयस। और मैं तो चाहूँगा कि ऊपर की जो टॉप थ्री प्लेयर हैं उनमें से सेंचुरी बने ताकि गेम आसान हो जाए हमारे लोअर ऑर्डर बैट्समैन के लिए। चलिए, तो अब एक नया एक एलिमेंट लेकर आते हैं इस शो में और वो है कि हम आपको कुछ तस्वीरें यहाँ दिखाने वाले हैं बिग स्क्रीन पर और उन तस्वीरों को देखकर एक एक करके आएंगी। पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है वो आपको बोलनी है, ये तस्वीर हैरिस राउफ और रोहित, बहुत ज्यादा इन्होंने रन खाए हैं, बहुत पिटाई हुई है। हाँ जी, योर थॉट्स? देख कहाँ मारा मैंने रोहित के नजरिए से बोल रहे। ग्लेन मैक्सवेल, इनका क्या मतलब, क्या चल क्या रहा है ग्लेन मैक्सवेल के दिमाग में और इस सेंचुरी के बाद तो क्या ही होगा? ये जैसे दिल्ली वाले, देख तेरे भाई ने कर दिया। बहुत बढ़िया, अगली तस्वीर दिखाइए इन दोनों को देखकर। सचिन पजगर, आखिरकार पहुंच ही गया तो विराट, शाबाश। नेक्स्ट पिक्चर, भाई मुंह बंद कर ले, मक्खी आ जाएगी मियां। ये चिल्लाते बहुत है क्या, बहुत एक्साइटेड रहते हैं हमेशा। हाँ, अच्छी एनर्जी है इसकी, वाइब्रेंट एनर्जी। चलिए एक और तस्वीर और विकेट देखिए किसका लिया है, बाबर का, राइट? हाँ, वो इसमें क्या आएगा, खुशी के मारे वो पागल और रोनाल्डो की तरफ वो अपना सेलिब्रेशन स्टाइल जो करता है, बिल्कुल जोश दिख रहा है पूरा। चलिए, आज तेरा बाप आया। ये हुई ना बात, देखिए बड़ा सोबर शमी, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं अपना, आई थिंक किसी ना किसी 5 विकेट हॉल के बबाद डिस्प्ले कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, ऑलरेडी 3 ले चुके हैं इस वर्ल्ड कप में। शमी कह रहा है बस मुझे मेरा बिस्तर दे दो, मेरे को सोना। बहुत हुआ, सेटिस्फाइड होके कि हाँ यार, हो गया, तसल्ली होगी। परफेक्ट। और क्या यार, गलती से पकड़ ली कैच मैंने, यार गलती से पकड़ ली कैच मैंने। इसको थोड़ा लाउड वॉल्यूम पे लगाइएगा। कैसे खुद इतनी अच्छी कैच पकड़ी, मैंने सोचा नहीं था। बड़ा क्यूट पिक्चर दो, वेरी क्यूट एक्सप्रेशन। जडू अपने बैटिंग अवतार में कह रहे कि ये बल्ला नहीं, ये तलवार है, राजपूत। नेक्स्ट पिक्चर, ये बड़ा सिग्नेचर स्टाइल है, ये किसकी कॉपी कर रहे हैं जसप्रीत? इसकी, ये किसकी, ये उसका, एक फुटबॉलर का बहुत बड़ा फैन है, इन्होंने शायद एडमिट किया था। हाँ, मैं नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, मुझे लंबा से उनका, हाँ, कॉन्स्टिपेशन हो गया। बाबर आजम।
और कोई तस्वीर है हमारे पास? बाबर की खिंचाई हो चुकी है टॉप। ये कह रहे हैं, रोहित कह रहे हैं, मेरे दो अनमोल रतन, एक राम तो दूजा लखन। वाह 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 वाह। जाते जाते गब्बर का ऐलान एक बार फिर से हो जाए, किसकी जीत किसकी हार इस बार, आर या पार भारतीय टीम के लिए? भारत की जीत। और वो जो आपका ट्रेडमार्क थाई फाइव, थाई फाइव, और हम पारी लगेंगे इस बारी, तो इसी बात पे। चलिए तो इसी के साथ शिखर धवन, थैंक यू, आप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े और हमारे ऑडियंस को आपने इतने अच्छे से समझा भी दिया। देखिए, क्रिकेट की बारीकियों को एक फनी एलिमेंट के साथ समझना, ये भी एक बड़ी खूबसूरत सा मेलजोल है जो सिर्फ शिखर आपको दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आने के लिए, हम सबकी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं। और टीम इंडिया देखिए पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार वर्ल्ड कप जो घर में आई हुई है ट्रॉफी, बस वो यहाँ रखनी ही है जीत कर। तो हमें लगता है कि हमारी टीम उस राह पर पूरी तरह से सही चल रही है और जीत कर ही मानेंगे हम वर्ल्ड। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।